नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। आज मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग मूवीज लेकर आया हूं जो इंटेलिजेंट स्पाइस के थ्रिलिंग मिशंस और धमाकेदार एक्शन आपको दिखाने वाली है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 स्पाई थ्रिलर मूवीज डब्ड इन हिंदी। दोस्तों, बहुत ही फेमस स्पाई मूवीज जैसे कि जेम्स बॉन्ड सीरीज, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज, किंग्समैन सीरीज और बॉन्ड सीरीज, ये सभी आप देख चुके होंगे। तो इस वीडियो में इन पॉपुलर मूवीज के अलावा कुछ अनसीन स्पाई मूवीज हम कवर करेंगे। तो एक्शन और थ्रिल से भरपूर अमेजिंग स्पाई मूवीज के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्वेरीज के लिए और मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, एड्रेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है हेवायर। ये 2011 में आई एक अमेजिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कम्प्लीटली एक स्पाई पर बेस्ड ना होकर एक ब्लैक ऑप्स ऑपरेटिव पर बेस्ड है जो किसी स्पाई से कम नहीं है। फिल्म की लीड कैरेक्टर एक स्पेशली ट्रेन्ड सोल्जर होती है जिसकी अमेजिंग फाइटिंग स्किल्स और इंटेलिजेंस बिल्कुल शॉकिंग होती है। इस ब्लैक ऑप्स ऑपरेटिव को इसी के एम्प्लॉयर्स जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसके साथ धोखा करने की कोशिश करते हैं, तब ये सोल्जर अकेले ही उनके पूरे सिस्टम को चैलेंज करती है और फिर फिल्म में धमाकेदार एक्शन शुरू होता है। थ्रिलिंग चेज और एक्शन से भरपूर ये अमेजिंग फिल्म नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है और अनऑफिशियल सोर्सेज पर ये हिंदी में भी अवेलेबल है। आप फैमिली के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। She is our nation's most valuable weapon. Wow, that's actually real. Oh yeah. नंबर 9 पर है सेफ हाउस। 2012 में आई रियान रेनॉल्ड्स और डेंजल वॉशिंगटन स्टारर ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी स्टोरी CIA ऑपरेटिव और CIA के एक सेफ हाउस पर बेस्ड है। इस फिल्म का धमाकेदार एक्शन और डेंजल वॉशिंगटन की अमेजिंग परफॉर्मेंस फिल्म को बहुत ही एंटरटेनिंग बना देते हैं। फिल्म में हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर जो एक CIA एजेंट है, उसे एक सेफ हाउस की सिक्योरिटी का टास्क मिलता है। इस सेफ हाउस में एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल को लॉक किया गया है। स्टोरी में थ्रिलिंग टर्न तब आता है जब इस सेफ हाउस पर अटैक हो जाता है। इसके बाद फिल्म की स्टोरी और भी थ्रिलिंग और एक्शन पैक्ड बन जाती है। ये एक्शन थ्रिलर स्पाई फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम दोनों प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी में अवेलेबल है। आप फैमिली के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। 2005 में आई ब्रैड पिट और एंजेलिना जॉली स्टारर ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जहां फिल्म के दोनों लीड कैरेक्टर्स असैसिन्स होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए स्पाई होते हैं क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी एकदम सीक्रेट होती है और जब इनकी ट्रू आइडेंटिटीज रिवील होती है तब फिल्म में एक एक्शन पैक्ड डेथ फाइट शुरू होती है। फिल्म की स्टोरी एक सो कॉल्ड कपल को फॉलो करती है जिन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ सरप्राइजिंग ट्रुथ पता चलते हैं जिसके बाद स्टोरी में एक नया टर्न आता है जो मैं यहाँ स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों, ब्रैड पिट और एंजेलिना जॉली की ये जोड़ी इस एक्शन फिल्म को बहुत फनी और इंटरेस्टिंग बना देती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इस फिल्म ने ब्रैड पिट और एंजेलिना जॉली के बीच पर्सनल रिलेशनशिप की शुरुआत की थी। ये फिल्म अमेज़न प्राइम पर इंग्लिश में अवेलेबल है और अनऑफिशियल सोर्सेज पर ये हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 7 पर है एटॉमिक ब्लॉन्ड। 2017 में आई चार्लीज थेरन स्टारर ये एक अमेजिंग स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी स्टोरी MI6 की एक अंडरकवर स्पाई को फॉलो करती है जिसे कोल्ड वॉर के दौरान एक मिशन के लिए बर्लिन भेजा जाता है। अब ये मिशन इतना आसान नहीं होता, इसे पूरा करने के लिए लीड कैरेक्टर को अपनी जान पर खेलना पड़ता है। दोस्तों, ये काफी पॉपुलर फिल्म है, इसका धमाकेदार एक्शन और लीड स्टार चार्लीज थेरन की अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको बोर होने का मौका नहीं देंगे। तो ये फिल्म आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी में अवेलेबल है। Remember, trust no one. नंबर 6 पर है अलाइड। ये 2016 में आई एक अमेजिंग वॉर थ्रिलर फिल्म है जो स्पाई थ्रिल के साथ साथ एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी भी आपको दिखाएगी। फिल्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी एक कैनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर और एक फ्रेंच रेजिस्टेंस फाइटर को फॉलो करती है। ये दो लोग एक डेडली मिशन के दौरान मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब ऑन गोइंग वॉर के प्रेशर में इन दो एजेंट्स की लव स्टोरी कहाँ तक चल पाती है, ये आप फिल्म देखकर पता लगाइए। दोस्तों, ये अमेजिंग फिल्म वॉर, एक्शन, रोमांस, स्पाई थ्रिल, ये सब कुछ आपको एक साथ दिखाएगी। तो इस अमेजिंग कॉम्बो को मिस मत कीजिए। ये फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है आर्गो। ये 2012 में आई एक हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, ये फिल्म स्पाइज और स्पाइंग पर उतना फोकस ना करके इंटेलिजेंस एजेंसी के एक रेस्क्यू मिशन पर फोकस्ड है। फिल्म में हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर एक साईफाई फिल्म शूट करने के बहाने 6 US डिप्लोमैट्स जिन्हें होस्टेज बना लिया गया है उन्हें वो बचाकर लाता है। दोस्तों, ये स्टोरी का सिर्फ बेसिक ओवरव्यू है, ये फिल्म इस स्टोरी को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करती है। फिल्म में बेन एफ्लेक और ब्रायन क्रैनस्टन की परफॉर्मेंस आपको बहुत पसंद आने वाली है। इंटरेस्टिंग मिशन पर बेस्ड ये थ्रिलर मूवी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए दोस्तों, ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है सॉल्ट।
ये 2010 में आई एक अमेजिंग स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी थ्रिलिंग स्टोरी और लीड स्टार एंजेलिना जॉली की अमेजिंग परफॉर्मेंस आपके एंटरटेनमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। इस फिल्म को पहले मेल प्रोटैगोनिस्ट के अकॉर्डिंग लिखा गया था जहां टॉम क्रूज को लीड रोल मिलना था, लेकिन फिर फीमेल प्रोटैगोनिस्ट पर सेंटर करके स्क्रिप्ट को वापस लिखा गया। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर एवेलिन सॉल्ट पर सेंटर्ड है जिस पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो एक रशियन स्पाई है। इसके बाद लीड कैरेक्टर बचकर भागती है और अपने नेम को क्लियर करने की कोशिश करती है। अब वो सच में एक स्पाई है या नहीं ये जानने के लिए इस अमेजिंग थ्रिलर फिल्म को जरूर देखिए। ये अमेजन प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है और आप फैमिली के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पर है डुप्लीसिटी। ये 2009 में आई एक कॉमेडी क्राइम फिल्म है जो रोमांस, कॉमेडी, स्पाई थ्रिल ये सब कुछ आपको दिखाएगी। फिल्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी दो कॉर्पोरेट स्पाइज को फॉलो करती है जो एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन मिशन के लिए साथ मिलकर काम करते हैं और इस तरह उनकी रोमांटिक हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट होती है। अब ये इंटरेस्टिंग मिशन क्या है, ये लीड कैरेक्टर्स को एक साथ कैसे लाता है, उनकी रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करता है, ये सब आप फिल्म देखकर पता लगाइए। ये इंटरेस्टिंग कॉमेडी स्पाई थ्रिलर फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर है रेड। 2010 में आई ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। दोस्तों इस फिल्म की बिग स्टार कास्ट, इसके फनी मोमेंट्स और एक्शन सीन्स आपको एंड तक बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। फिल्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी लीड कैरेक्टर फ्रैंक को फॉलो करती है जो एक फॉर्मर ब्लैक ऑप्स एजेंट है। अब कुछ लोग हैं जो फ्रैंक को मारना चाहते हैं। अब इस असैसिन को पकड़ने के लिए फ्रैंक अपनी ओल्ड टीम को वापस एक करता है। अब ओल्ड एजेंट्स की ये ओल्ड टीम जो बवाल मचाती है वही इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक्शन के साथ कॉमेडी इस फिल्म का मजा दोगुना कर देती है। ये फिल्म अमेजन प्राइम पर और अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी में अवेलेबल है, आप फैमिली के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये फिल्म आपको पसंद आती है तो 2013 में आई इसकी सीक्वल फिल्म रेड 2 भी आप जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 1 पर है ब्रिज ऑफ स्पाइस। ये 2015 में आई टॉम हैंक्स स्टारर एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और कोल्ड वॉर के टाइम का एक सीरियस केस हमें दिखाती है। फिल्म का लीड कैरेक्टर जिसे एक्सीलेंट एक्टर टॉम हैंक्स ने प्ले किया है, वो कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट लॉयर होता है और वो कोर्ट में अमेरिका में पकड़े गए एक रशियन स्पाई को डिफेंड करता है। अब ये केस सोशली और पॉलिटिकली लीड कैरेक्टर के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। अब इस केस में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये आप फिल्म देखकर पता लगाइए। ये फिल्म यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ अमेजिंग स्पाई थ्रिलर मूवीज जो हिंदी में अवेलेबल है। बहुत सी स्पाई थ्रिलर मूवीज अभी बाकी हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। हर बार की तरह इस वीडियो की लिस्ट भी आपको हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज पर मिल जाएगी, तो हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। मूवीज और वेब सीरीज की बेस्ट चॉइसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।